हेलो एवरीवन दिस इज़ रश्मि सिन्हा एंड यू आर वाचिंग मी एट माय वेरी ओन चैनल सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज़ ऑपरेटर्स जिससे कि मैं आपको आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हमने असाइनमेंट डिस्कस किया पिछले वीडियोज़ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया रिलेशनल और लॉजिकल को भी डिस्कस किया बट तीन रह गई जिसमें थी बिटवाइज टर्नरी कॉमा एंड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर तो क्यों ना उसको आज खत्म कर लें हम तो हमारा ये जो ऑपरेटर चैप्टर है जिसके पीछे आप तीन चार वीडियोस देख सकते हैं उनमें पार्ट वन पार्ट टू बोलकर आप देख सकते हैं और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह कीजिए क्योंकि आपके बोर्ड्स के लिए भी ये वेरी इम्पॉर्टेंट है और नाइन्थ में भी हर एग्जाम में ये आपको हमेशा हेल्प करेगी तो लेट्स बिगिन जो पिछली क्लासेस में हमने किया था उसमें मैं बस एक जस्ट आपको रिव्यू दिखा दे रही हूँ कि हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर्स देखी थी जिसमें ये ग्रेटर स्मॉलर और फिर इज़ इक्वल्स टू ग्रेटर फिर ऐसे वाले सारे हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखे थे जैसे कि आप यहाँ भी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब भी किसी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं यानी दो वैल्यू के बीच की रिलेशन क्या वो बड़े हैं क्या वो छोटे हैं क्या वो इक्वल हैं क्या वो जैसे कि आप आ, वोट देने जाते हो तो वोट देने में क्या चेक किया होता है क्या चेक किया जाता है कि आर यू एटीन ईयर ओल्ड और मोर देन दैट यानी आप 18 साल के भी हो सकते हो और अठारह साल से बड़े भी हो सकते हो तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑपरेटर चाहिए ग्रेटर इज इक्वल्स टू ईयर्स ग्रेटर इज इक्वल्स टू तो आपने देखा यहाँ पर ये यूज़ हो गई अब अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आप कभी कभी फेल हो जाते हो या पास जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो वहाँ क्या चेक होता है चेक होता है कि क्या उन्होंने फोर्टी परसेंट मार्क्स से भी कम सिक्योर किए हैं तो अगर उनके मार्क्स फोर्टी परसेंट या फोर्टी परसेंट से कम होते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स फेल माने जाते हैं या जो भी आपके स्कूल की परसेंटेज लेवल होगी तो आपको वहाँ पर लेसर देन इज़ इक्वल्स टू साइन यूज़ करना पड़ता है तो ऐसे बहुत सारी प्रोग्राम्स जो नंबर प्रोग्राम्स हैं वो इसी बेसिस पर बनाई जाती हैं जिसमें से एक यहाँ बहुत सिंपल वाली बनी हुई है ओके okay, तो ये और इसके बाद हमने डिस्कस किया लॉजिकल ऑपरेटर्स को और लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क्स ओनली ऑन बुलियन यानी कि बुलियन का मतलब है ट्रू फॉल्स के लिए ही बस यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओके नॉट ओके यस नो एलिजिबल नॉट एलिजिबल जिसमें बस आपको ये दो ही ऑप्शन डालनी हो वहाँ आप लॉजिकल यूज़ करोगे ठीक है ये थी लॉजिकल ऑपरेटर्स के डिस्क्रिप्शन जो कभी कभी नॉमिनली पूछी जाती हैं जिसमें आपको एम परसेंट का साइन है एक पैरेलल का साइन है और एक एक्सक्लेमेशन साइन है ठीक है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में बस जस्ट एन रिव्यू मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए और अगर आप मिस कर गए हैं तो एक बार रिवाइज भी कर लें आज जो हमारा मोटिव है इस वीडियो का वो है टर्नरी ऑपरेटर जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं और इस केस में टर्नरी आप देख रहे हैं नाम यानी तीन वैल्यूज होंगी ठीक है और ये क्या करता है इट गिव्स ईदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनल कंडीशन बोलियन डेटा टाइप भी ये भी बुलियन डेटा टाइप है रूल नंबर वन और रूल नंबर टू इसमें दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं जो करेक्ट होती है वो डिस्प्ले हो जाती है ठीक है अगर फर्स्ट कंडीशन करेक्ट हुई तो वो आंसर आएगा अगर सेकेंड कंडीशन करेक्ट हुई तो वो आंसर आएगा ये काम जावा खुद करती है तो टर्नरी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन जावा हैज अ शॉर्ट हैंड वे बाई यूजिंग इसमें आपको क्वेश्चन मार्क और ये कोलोन का साइन यूज करना है ठीक है एंड अनलाइक द इफ स्टेटमेंट बिल्कुल काफी हद तक इफ स्टेटमेंट की तरह ही परफॉर्म करता है ऑपरेटर्स के ऊपर इंट आंसर नाम का हमने एक वैल्यू ली इफ ए इज ग्रेटर देन बी अगर ये बात सच है तो आपका आंसर वन आएगा और अगर ये बात सच नहीं है तो आपका आंसर माइनस वन आएगा ये आपने अपने प्रोग्राम में डाला है जब आप एल्स करते हो अब इसी को टर्नरी में कन्वर्ट करेंगे अगर आप इसी को टर्नरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या लिखना है एक्सप्रेशन वन यानी पहला कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी फिर क्वेश्चन मार्क बनाइए फिर ए इज़ लेसर देन बी लिखिए ओके और फिर डबल डॉट लगाइए यानी कोलोन लगाइए और अब एक्सप्रेशन डालिए जो आपको आंसर चाहिए जो आंसर इन दोनों में से जो सच होगा वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है इस तरह से सिंटेक्स को फॉलो करना है बहुत मज़ेदार है ये सीखना भी और आई लेट यू नो कि इससे आप जब करोगे ना तो मतलब जब बनाओगे तो इसके प्रोग्राम्स काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं तो मान लीजिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना हो तो कैसा बनाएंगे मैं आप चलिए मैं आपको उसका एग्जाम्पल थोड़ी देर में दिखा देती हूँ हाँ चलिए ये खत्म करते हैं कॉमा ऑपरेटर्स कॉमा ऑपरेटर का मतलब है जावा हैज एन ऑफन लुक पास्ट फीचर विद इन इट्स फॉर लूप एंड दिस इज द कॉमा ऑपरेटर यूजअली वैन पीपल थिंक अबाउट कॉमाज इन द जावा लैंग्वेज दे थिंक ऑफ अ वे टू स्प्लिट अप आर्ग्यूमेंट्स विद इन अ फंक्शंस पारामीटर अर्थात कि जब भी आप कॉमा लगाते हैं वहाँ पर हमारी वैल्यूज खत्म हो जाती है यानी हमारा काम वहाँ पर ख़त्म हो गया जबकि सेमी का मतलब होता है प्रो जावा में वर्क इन प्रोसेस यानी अभी आपका काम बाकी है इसीलिए आप हमेशा इंट के साथ वैल्यू लेकर सेमी कोलोन लगा देते हैं कॉमा लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर इंट ए की वैल्यू ओवर हो गई फिर आपने बी लिया ट्वेंटी फिर आपने कॉमा लगा दिया लेकिन मान लीजिए उसके बाद मैक्स लेकर आपने सेमीकोलोन लगाया इसका मतलब आप अगली स्टेज में जाना चाहते हैं ठीक है कॉमा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम कई जगहों पर खास करके करते हैं क्योंकि ये बात आपको याद रखनी होगी कि अगर आप कॉमा सेमी और जहाँ पर आपको जैसे पब्लिक का पी स्मॉल लिखना है स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखना है या सिस्टम आउट का एस कैपिटल लिखना है अगर ये गलतियाँ करते हैं तो हमेशा आपके पॉइंट पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे तो बी केयरफुल फॉर दिस इस प्रोग्रामिंग में देखिए कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने कॉमा ऑपरेटर पब्लिक क्लास कॉमा ऑपरेटर के नाम से ही प्रोग्राम बना दिया है ठीक है और कहां, कहां पे सेमी सेमिकोलोन और कॉमा का इस्तेमाल किया गया जब जब उन्होंने वैल्यूज ली हैं, वहां कॉमाज यूज किए हैं ठीक है थीके? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है इंस्टेंस दिस ऑपरेटर इज यूज ओनली फॉर ऑब्जेक्ट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ को सामान को दिखाना चाहते हैं इन दैट के समय सिर्फ इसका इस्तेमाल वैसे बहुत माइनर ही है बट फिर भी नॉलेज के लिए जानना जरूरी है हमें तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जैसे इसमें प्रोग्राम में कार को दिखाना है उनको तो व्हीकिल का नाम न्यू कार और बुलियन रिजल्ट आएगा इंस्टेंस ऑफ ए कार और रिजल्ट आ जाएगी जो भी उन्होंने कार लिय कि उसका नाम वहाँ पे आ जाएगा सिंपल यानी कोई ऑब्जेक्ट पर जब प्रोग्राम बनाते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे तब हम ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं थैंक यू और अब मैं आपको बता देती हूँ एक टर्नरी एक्सप्रेशन का एक प्रोग्राम दिखा देती हूँ ठीक है चलिए सेट के हम ये पूरा वीडियो टर्नरी ऑपरेटर पर ही कर रहे हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो ये है उसकी डेफिनेशन और आप शायद इसको देख के कन्फ्यूज हो थोड़े अभी क्लियर हो जाएगा कि जब भी टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क और डॉट जो डबल डॉट है या उसको आप कोलोन बोल सकते हैं कहाँ कहाँ लगानी है तो नीचे देखिए वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क मतलब क्या एक्सप्रेशन वन सही है क्वेश्चन मार्क ठीक है एक्सप्रेशन टू अभी हमें जंप करना है एक्सप्रेशन टू पे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा फर्स्ट वाला वैल्यू करेक्ट है या सेकेंड वाला फिर डबल डॉट लगाइए एक्सप्रेशन थ्री में जो भी करेक्ट हो वो आंसर हमें आ जाए आप देख सकते हैं ऊपर एरो में ट्रू लिखा हुआ है ना ट्रू अगर वो ट्रू निकला तो वो प्रिंट हो जाना है अगर वो फॉल्स निकला तो एक्सप्रेशन टू प्रिंट हो जाएगी तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं फ्लो चार्ट अगर आप इसका बनाते तो वो कुछ ऐसा दिखता ठीक है फ्लो चार्ट ऐसे मतलब नॉलेज के लिए वो तो बनाने आएगी नहीं टर्नरी ऑपरेटर में आपको बार बार ध्यान रखना है कि सिंटेक्स ऐसा रहेगा कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन डॉट एक्सप्रेशन टू ठीक है ओके अब देखिए एक इस पर बना हुआ प्रोग्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि अगर आप कोई स्टूडेंट को पासिंग चेक करनी हो तो आप क्या करोगे तो फर्स्ट फोर लाइंस तो जो फाइव लाइंस होती हैं वो तो हम जो जनरली प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वैसा ही है स्कैनर को देख के कन्फ्यूज मत होइए हम अगले कुछ लेसन में स्कैनर पर आएंगे स्कैनर वैल्यू तब यूज़ होती है जब यूज़र अपनी वैल्यू दे रहा हो यानी उसे इनपुट करने खुद कहा जा रहा हो तब हम स्कैनर पर यू यूज़ करते हैं मैं आपको अगले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी आपसे सिर्फ टर्नरी पर ध्यान दीजिए क्योंकि वो आपका मेन मकसद है यहाँ पे सीखना ओके तो आइए जहां पे लिखा हुआ है अभी टर्नरी ऑपरेटर ये कमेंट में लिखा हुआ है डबल जो आप देख रहे हो डबल ऐसे स्लैश लगी हुई हुए कमेंट लिखा हुआ है कि टर्नरी ऑपरेटर को चेक करना है यहाँ पर कि मार्क्स फोर्टी से ज़्यादा है या नहीं ठीक है अगर तभी वो बच्चा पास होगा तो उसने क्या रिजल्ट प्रिंट की स्ट्रिंग रिजल्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन फोर्टी अगर ये बात सच है कि नहीं क्वेश्चन मार्क ठीक है सच है कि नहीं क्वेश्चन मार्क पास कोलोन फेल अगर ये बात सच निकली तो क्या आंसर आएगा क्या आंसर आएगा पास और अगर ये बात सच नहीं निकली तो वो बच्चा ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा देख रहे हैं आप आउटपुट में नीचे उसके सेवेंटी फाइव मार्क्स से है तो वो बच्चा पास हो गया ठीक है आप एकदम ऐसा ही एक प्रोग्राम नंबर बदल के बनाइएगा ठीक है दैट्स द फर्स्ट होमवर्क चेक अनादर प्रोग्राम जिसमें कि हम चेक करेंगे पहले हमने एक नंबर लिया 24 हम चेक करें कि क्या यह नंबर पॉजिटिव है मतलब प्लस में है या माइनस में है ऐसे सिचुएशन में भी हम टर्नरी को यूज़ कर सकते हैं मगर यहाँ पर इसका सेप्टीट्यूड दिखाया हुआ है कि अगर आप टर्नरी लेना भूल जाएं या आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इफ़ एल्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं इफ एल्स के प्रोग्राम्स आपको अच्छे से आसानी से आ जाते हैं बट अगर आप अपनी लाइन्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी टर्नरी पर चले जाइए एकदम से टर्नरी इज द बेस्ट ऑप्शन चलिए तो होमवर्क ले लीजिए पहला टास्क है आपको एक पॉजिटिव नंबर चेक करना है बिल्कुल इस तरह से ठीक है दूसरा टास्क है आपको वोटिंग की एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है क्या आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो वैसा प्रोग्राम बनाइए और तीसरा टास्क है कि आप किसी एक नंबर दो नंबर लें और उसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है टर्नरी पे बनाइए इफ एल्स पे नहीं ठीक है ये तो तीन प्रोग्राम इस वीडियो के आखिरी में ज़रूर बना दीजिएगा और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम डे एंड नाइट आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अपने यूट्यूब के वीडियो के नीचे ही कमेंट डाल दीजिए अगर पर्सनल हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकें और अब जिस भी स्कूल में पढ़ते हों अगर आपने ये फॉर्मेट को फॉलो किया नाइन्थ या टेंथ दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आई एम श्योर आपको कभी ट्यूशन्स भी नहीं करनी पड़ेंगी सो टिल देन अपना ध्यान रखें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और जो मैंने आपको वीडियोज़ में पढ़ाया है उसे भूलिए मत और अपनी मास्टर कॉपी ज़रूर रेडी कर लीजिएगा स्टे सेफ स्टे होम बाय टेक केयर एवरीबडी